वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरी मिर्ची का ठेचा। आज हम हरी मिर्ची का ठेचा बनाएंगे, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। ग्रीन चिली ठेचा बनाने के लिए मैंने यहाँ 200 ग्राम ग्रीन चिलीज ली है। ये मैंने मीडियम स्पाइसी ली है, धो के अच्छे से इसे पोंछ लिया है। 18 से 20 कली लेंगे हम लहसुन की। मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम जो लहसुन हमने छील के रखा है वो डाल देंगे, साथ में हम ग्रीन चिली डालेंगे रफली चॉप करके। ये देखिए ग्राइंड कर लिया है मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, रोक रोक कर ग्राइंड करना है। मैंने यहाँ गैस पर कढ़ाई रखी है, इसमें एक बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। इसमें डालेंगे हम गर्म होने के बाद थोड़ा जीरा, हाफ टी स्पून राई, आधा चम्मच मैंने राई डाला है और आधा चम्मच जीरा। थोड़ी डालेंगे हम हींग, हरी मिर्ची के साथ हींग बहुत ही अच्छी लगती है। और इसमें जो मिर्ची हमने ग्राइंड करके रखी है वो डालेंगे। देखिए ग्रीन चिल्ली को हमें तब तक कुक करना है जब तक ये साइड से हल्का सा ऑयल नहीं छोड़ देता। हरी मिर्ची का ठेचा आप कभी भी बना सकते हैं, पूरी साल मिलती है और लाल मिर्ची सीजनेबल है, वो सीजन में ही मिलती है 2-3 महीने के लिए, इसलिए हरी मिर्ची का ठेचा आप जब मन करे बना सकते हैं। ये देखिए साइड से ऑयल छोड़ दिया है हल्का हल्का। अब इसमें हम डालेंगे नमक, इसे बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, नमक आप टेस्ट के अनुसार डालें। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये देखिए नीचे उतारने के बाद इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच नींबू का रस, ठंडा करने के बाद डालना है नींबू का रस, अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची का ठेचा हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं कई महीनों तक। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।